पूछते उसको, तो उससे क्या होता, वो खुश हो जाता, अरे वाह यार तू तो मेरी आराधना कर रहा है, वो तुम्हारा कभी नुकसान नहीं करेगा, वो तुम्हारा अपने आप बढ़ा देगा। और जो ऑलरेडी अच्छा तत्व है हमारे अंदर में, जो भी अच्छे तत्व वाले आए हुए हैं, उनको भी क्या, और उनकी पूजा हो रही। तो वो आपने एक देखा होगा कि बहुत सारे साधु संत रहते हैं, कोई किसको गुरु बना लेता, कोई किसको गुरु बनाता, फिर उसका फोटो घर को लेके आते, फिर भगवान के मंदिर में रखते, ये हमारे गुरु है, उसको पूछते रहते, उसको मालूम भी नहीं रहता रहता। लेकिन ये लोग जो पूछते, इनके पूजने से उसका फायदा हो, इनका फायदा नहीं होता, फायदा उसका होता, क्योंकि हम उसको पूछते, वो जिंदा है, दर में बैठा है कहीं ना कहीं, तो उसके तत्वों को पूजने के कारण उसके तत्वों वो अच्छे रहते, तो उसको फायदा होता उधर में। ये बहुत छोटा सा माइक्रो साइंस है इसका, आध्यात्मिक है, तो सोचो। तो ये चीज करो, ये करोगे तो आपको फायदा होगा। और ये चीज मैं खुद करता हूँ, मेरी खुद चलो की ठीक है, फोटो लगी बढ़िया। है, और मैं खुद उसको, मैं हीलिंग भी देता हूँ, उसकी पूजा भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ उसका। ओके जी, है ना, तो ये चीज करो, एक आपको नई चीज मिली है ये, और वो वाला जो मैंने बताया वो लगाने वाला, वो लगा, ठीक है। जी तो अभी आपको ये लेना है, सांसे लो सांसे छोड़ो, सांसों को लो सांसों को छोड़ो, बढ़िया, बहुत अच्छे। शरीर को पूरा ढीला छोड़िएगा, क्योंकि जब तक शरीर ढीला नहीं रहेगा, आप अंदर की ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते। तो अंदर की दुनिया में जाना है, बाहर की दुनिया से कट होना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। आप इस प्रक्रिया को दोहराते रहे, मैं कुछ ऊर्जा का प्रेषण कर रहा हूं, महसूस करें। Thank you.